अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं सब। आज मैं बना रही हूँ वाटरमेलन रिंड हलवा। वाटरमेलन का छिलके का हलवा बना रही हूँ मैं। ये मैं फर्स्ट टाइम बना रही हूँ, फर्स्ट टाइम बनाने का चैलेंज ले रही हूँ आपके सामने ही। मैं जैसे जैसे बनेगा मैं वैसे ही अपलोड करूँगी। अगर ये बहुत टेस्टी बनेगा तो इसका टेस्ट कैसा है वो भी मैं सही से ही बताऊंगी, और इसका टेस्ट अच्छा नहीं है तो मैं वो भी बताऊंगी आपको। तो फर्स्ट टाइम मैं चैलेंज ले रही हूँ, और देखिएगा मैंने इस तरह ये छिलके को इस तरह ग्रीन वाला जो होता है वो बहुत आसानी से निकल जाता है फ्रेंड्स। आप किसी भी पीलर से या नाइफ से निकाल सकते हैं। और इस तरह का मैंने वाइट पार्ट को ले लिया है वाटरमेलन के, थोड़ा सा पिंकिश पिंकिश पार्ट जो होता है वो भी मैंने थोड़ा सा ले लिया है। तो देखते हैं फ्रेंड्स इसका नेक्स्ट स्टेप क्या है, कैसे बनाएंगे। ओके फ्रेंड्स, अब इनको हम ब्लेंडर में ले लेते हैं फ्रेंड्स, अच्छी तरह ब्लेंड कर लेते हैं। देखिएगा फ्रेंड्स, अब मैं इनको ब्लेंडर में ले लिया है, अब मैं इनको अच्छी तरह ब्लेंड कर लूंगी। देखिएगा फ्रेंड्स कितनी अच्छी तरह पेस्ट मैंने बना लिया है। अब हम इसको एक बर्तन में ले लेंगे और बाकी के जो पीसेस है उन्हें भी हम अच्छी तरह ब्लेंड कर लेंगे। ये देखिएगा फ्रेंड्स, बाकी पीसेस को भी हम इसी तरह अच्छी तरह ब्लेंड कर लेंगे। ये देखिएगा फ्रेंड्स कितनी अच्छी तरह फाइन पेस्ट बना है, इसको भी हम एक बर्तन में ले लेंगे। अब देखते हैं हम इसका नेक्स्ट स्टेप क्या है। ये देखिएगा फ्रेंड्स, हमने अच्छी तरह वाटर मिलन रिंड को अच्छी तरह हमने छिलके को अच्छी तरह हमने छोटे छोटे पीसेस करके ब्लेंडर में लेके अच्छी तरह ब्लेंड कर लिया था। अब उन्हें हमने एक बर्तन में ले लिया है। अब हम इसको अच्छी तरह पका लेंगे। ये देखिएगा फ्रेंड्स, अब हम इसमें देखिएगा बहुत ज्यादा वाटर रहेगा तो हम इसमें जो वाटर है ना ये सब इसमें का सब वेपरेट होने तक इसे अच्छी तरह हम पका लेंगे। आप इसे लो फ्लेम में भी बना सकते हैं या फुल फ्लेम में भी बना सकते हैं फ्रेंड्स। ये देखिएगा फ्रेंड्स अच्छी तरह पक रहा है हमारा हलवा। ये जैसे जैसा पकता जाएगा वैसा इसका कलर भी चेंज हो रहा है थोड़ा थोड़ा। देखिएगा ये देखिएगा फ्रेंड्स हमारा हलवा पक रहा है। जैसे जैसे ये पक रहा है मैं फुल फ्लेम में ही इसको पका रही हूँ क्योंकि इसमें बहुत सारा वाटर है तो बहुत जल्दी ये हम इसे ड्राई कर लेंगे, इसलिए मैं फुल फ्लेम में ही। जैसे जैसे ये पक रहा है इसमें जो वाटर मिलन की जो सोंधी सी जो खुशबू होती है वो आ रही है और कलर भी बहुत प्यारा आ रहा है। ये देखिएगा कितना प्यारा कलर आ रहा है। ये देखिएगा फ्रेंड्स, हमने करीब 400 ग्राम के करीब यहाँ हमें गुड़ ले लिया है। जितना हम लगेगा हम उतना यूज करेंगे फ्रेंड्स। ओके फ्रेंड्स, ये देखिएगा फ्रेंड्स मैंने 30 मिनट चम्मच चलाते हुए फुल फ्लेम में पका लिया है इसे। देखिएगा इसकी क्वांटिटी हाफ हो गई है, देखिएगा कितना गाढ़ा हो चुका है टेक्सचर। तो इसमें हम थोड़ा सा मिल्क ऐड कर देंगे, 120 ml के करीब मैं इसमें बिल्कुल थोड़ा सा दूध ऐड कर दिया है मैंने इसमें।
हम अच्छी तरह पका लेंगे अभी से। देखिएगा फ्रेंड्स, हलवा हमारा दूध भी अच्छी तरह वेपरेट हो चुका है। ये देखिएगा इस तरह गाढ़ा हो चुका है। अब हम इसमें इलायची डाल देंगे, अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। ये देखिएगा फ्रेंड्स, अब हम इसमें घी को मिक्स कर लेंगे 5 to 6 टेबलस्पून। देखिएगा कितना प्यारा कलर आ चुका है और इसमें खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही है फ्रेंड्स। अब हम इसमें गुड़ को भी ऐड कर देंगे फ्रेंड्स। गुड़ को भी अच्छी तरह ऐड करके हम थोड़ा थोड़ा मिक्स कर लेंगे फ्रेंड्स। अच्छी तरह गुड़ भी इसमें घुल चुका है। देखिएगा कितना अच्छा गाढ़ा पक चुका है अच्छी तरह। अब हम इसमें थोड़े से बादाम को मिक्स कर लेंगे हमारा, और एक हम इसे 5 मिनट पका लेंगे फ्रेंड्स। थोड़ा गाढ़ा होने तक हमारा यम्मी यम्मी हलवा रेडी हो जाएगा। ये देखिएगा फ्रेंड्स, हलवा पक चुका है। अब हम इसे डिश आउट कर लेंगे। ये देखिएगा फ्रेंड्स, मैंने डिश आउट कर लिया है और मैंने काजू से इसे इस तरह गार्निश कर लिया है फ्रेंड्स। अब हम इसका टेस्ट भी देखते हैं कैसा बना है। वाओ, बहुत बहुत टेस्टी बना है फ्रेंड्स। जो मैंने गुड़ डाला है वो भी बहुत करेक्ट है, इसका मीठापन भी। आप भी जरूर एक बार ट्राई करना फ्रेंड्स, आपको भी जरूर पसंद आएगा। बहुत बहुत टेस्टी बना है। अगर आप मेरे वीडियोस को नए देख रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए फ्रेंड्स। फिर मिलती हूँ और एक नई वीडियो के साथ। तब तक बाय बाय, टेक केयर, थैंक फॉर वॉचिंग। सच में पहली बार बनाने का चैलेंज लिया था फ्रेंड्स मैंने, तो बहुत बहुत टेस्टी बना है फ्रेंड्स। आप भी अपने घर में बना सकते हैं। ओके फ्रेंड्स।